डोबर्नियर ट्राइड, तो डोबर्नियर ने क्या किया, एटॉमिक मासेस को बेसिस लिया, नंबर वन एटॉमिक मासेस को बेसिस लिया उसने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए। सेकंड क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। उन्होंने कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया, ट्रायड के रूप में, ट्रायड मतलब थ्री एलिमेंट्स इन वन ग्रुप उन्होंने रख दिया, ठीक है, क्योंकि उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थे, इसीलिए। जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसको बोल गया ट्रायड क्योंकि थ्री एलिमेंट्स हैं एक ही ग्रुप में, उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अब इसमें जो मिडिल एलिमेंट होगा ना सोडियम, जो मिडिल एलिमेंट होगा सोडियम, उसका एटॉमिक मास जो होगा वो दूसरे जो दो एटम्स है उसके एवरेज होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट्स इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, ठीक है। तो डोबेरिनियर का क्या हो गया, एटॉमिक मासेस को इन्होंने बेसिस लिया, दूसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, एलिमेंट्स को अरेंज किया ट्रायड के रूप में, जिसमें एक ट्रायड में तीन एलिमेंट्स थे और तीनों एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम था, और जो बीच वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था वो बगल वाले दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज था। बस इतना ही है, राइट। जान पा रहे हो?